तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल विजुअल में। दोस्तों आज हम आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 का कुछ स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों दोनों फ़ोन को बूट कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोनों फ़ोन के जो एप्पल का लोगो होता है वो दिख गया है और दोनों के बायोनिक चिप की बात करें तो A15 का बायोनिक चिप मिल जाता है और आईफोन जो 13 है वो 4 GB रैम का है अभी इस वक्त, और आईफोन 13 प्रो की बात करें तो हमारे पास 6 GB रैम है। तो चलिए दोस्तों अभी दोनों फ़ोन के कुछ ऐप्स को ऑन करके देखते हैं कि सबसे पहले कौन ऑन होता है, और वाईफाई भी दोनों चालू कर दिए हमने। तो चलिए दोस्तों अभी दोनों के कॉल लॉग जो है कुछ ऐप्स को ऑन कर देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कॉल लॉक्स ऑन करने के बाद दोनों ही सेम चालू हुआ, और अगर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग भी दोनों ही सेम हुआ, बट 13 थोड़ा स्पीड लगा मेरे को। और दोस्तों अगर ऐप स्टोर की बात करें तो ऐप स्टोर दोनों ही सेम था, कुछ डिफरेंट नहीं था। और नेटफ्लिक्स की बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं नेटफ्लिक्स भी दोनों ही सेम चालू हुआ, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं लगा मेरे को। और अमेज़ोन की बात करें तो आईफोन 13 में काफ़ी जल्दी चालू हो गए, जो कि 13 प्रो में काफ़ी टाइम लगा। और दोस्तों अगर एंग्री बर्ड की बात करें जैसे कि देख सकते हैं एंग्री बर्ड दोनों ही चालू हो रहे हैं, तो अभी देखते हैं कौन सबसे पहले चालू होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों आईफोन 13 काफ़ी जल्दी चालू हो गए, जो कि आईफोन 13 प्रो में काफ़ी टाइम लगा वही गेम चालू होने को। और दोस्तों अगले गेम की बात करें COD की, तो जैसे कि देख सकते हैं COD दोनों ही फ़ोन में काफ़ी जल्दी चालू हो गया, बट 13 प्रो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव लग रहा है मेरे को। और जैसे कि देख सकते हैं जो कि 13 प्रो में काफ़ी डिस्प्ले पहले ही हो गया वो, जो कि 13 में काफ़ी टाइम लगा। और चलिए दोस्तों अभी दूसरे गेम की बात करें तो COC की, तो जैसे कि देख सकते हैं 13 प्रो और 13 में मुझे 13 प्रो काफ़ी इम्प्रूव लगा, बट 13 और दोनों ही सेम था। स्टार्टिंग में 13 प्रो थोड़ा आगे था, बट बाद में 13 काफ़ी पीछे हो गया। और चलिए दोस्तों अभी सबवे सफ़र की बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं सबवे सफ़र 13 प्रो में काफ़ी जल्दी चालू हो गया। और टेंपल रन की बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं टेंपल रन प्रो और 13 प्रो और आईफोन 13 में दोनों में ही सेम लग रहा है मेरे को, काफ़ी डिफरेंस नहीं लग रहा है। बट जो कि 13 प्रो है मुझे लग रहा है इम्प्रूव है, बट दोनों ही सेम हुआ, कुछ फ़र्क नहीं लगा मेरे को इतना। और दोस्तों पोकेमोन गो की बात करें जैसे कि देख सकते हैं 13 प्रो में काफ़ी जल्दी चालू हो गया। और पिक्सआर्ट की बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं पिक्सआर्ट दोनों में ही सेम चालू हुआ, कुछ डिफरेंस नहीं लगा मेरे को इस ऐप से। और दोस्तों अगर स्पॉटिफाई की बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं स्पॉटिफाई दोनों में ही सेम हुआ, कुछ डिफरेंस नहीं लगा। और हमारे अगले गेम की बात करें फ्री फायर की, तो जैसे कि देख सकते हैं फ्री फायर गैरिना फ्री फायर दोनों में चालू हो गया है, तो देखते हैं अभी कौन स्पीड में जीत पाता है। लेकिन दोनों ही सेम हुआ, कुछ डिफरेंस नहीं लगा, तो ये दोनों में ही काफ़ी प्लस पॉइंट लगा मेरे को, तो काफ़ी इम्प्रूव लगा। और दोस्तों अगर सुपर मारियो की जो कि है उसके बात करें तो देखते हैं, तो जैसे कि देख सकते हैं 13 प्रो काफ़ी जल्दी चालू हो गया। और स्काइप की बात करें जो कि स्काइप ऐप है एप्लीकेशन है, जैसे कि देख सकते हैं दोनों में ही सेम चालू हुआ। और अगर क्रोम की बात करें तो क्रोम 13 प्रो में थोड़ा ही इम्प्रूव लगा मेरे को। और अगर कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर दोनों ही सेम चालू हुआ। और कैमरे की बात करें तो जैसे देख सकते हैं कैमरा भी 13 प्रो में थोड़ा जल्दी चालू हो गया, जो कि 13 में टाइम लगा। और हमारे अगले गेम की बात करें तो BGMI काफ़ी पॉपुलर गेम है और काफ़ी लोग ने खेला ही होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं 13 प्रो में काफ़ी जल्दी चालू हो गया, जो कि 13 में काफ़ी टाइम लगा, तो ये मेरे को 13 प्रो में काफ़ी प्लस पॉइंट लगा। और रैम मैनेजमेंट की बात करें तो 6 GB रैम जो कि 13 प्रो में था वो मैंने बता दिया, और 13 4 GB रैम है। और दोनों फ़ोन की बात करें तो 4G है दोनों ही फ़ोन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा करेगा तो चैनल वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।